हेलो गाइस, ये देख सकते हो मेरे पास हीरो का एक्सट्रीम BS6 बाइक है। और गाइस, इसका हमने अभी क्लच खोल रखा है। क्लच जो खोल रखा है, इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये था कि जब हम बाइक को गियर में डालते हैं तो गाड़ी चलता ही नहीं था। मतलब कि जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रह जाता, मतलब चलता एकदम ही बुरा कंडीशन था इसका क्लच प्लेट का, कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट आपको बताऊँगा कि BS6 का जो एक्सट्रीम बाइक है उसका हमें क्लच प्लेट कैसे चेंज करना है और कैसे हमें इसको पूरा प्रोसेस के साथ लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो 10 नंबर का बोल्ट था, चारों बोल्ट हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इसका जो हमें क्लच खोलना है, इसमें लगेगा 4 टांग का पुलर लगा है इसमें। जो स्प्लेंडर में लगता है वो इसमें भी लग जाएगा। तो 4 टांग का हमें पुलर लगा देना है क्लच में। लगाने के बाद इसमें जो बोल्ट है 19 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम गोटी हैंडल से खोलेंगे। तो गोटी हैंडल से 19 नंबर का बोल्ट है उसको हम खोलते हैं फटाफट। खोलने के बाद इसका क्लच प्लेट जो होता है वो क्लच प्लेट हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। और गाइस, इसको खोलने के लिए जो एक्सट्रीम बाइक होता है उसको उसमें खोलने के लिए हमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो जो क्लच पुलर होता है, अगर आपके पास सॉकर पाइप हो तो आप सॉकर पाइप लगा के इसको आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुलर होता है, पुलर को लगाने का स्पेस नहीं होता है। तो हम जो सॉकर पाइप होता है, सॉकर पाइप लगाएंगे तो जो सॉकर पाइप लगाने के बाद जो है वो आसानी से खुल जाता है। तो हम सॉकर पाइप से लगा के इसको आसानी से हम खोल लेंगे। तो चलिए इसको हम अभी खोल लेते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमें ये जो क्लच पुलर में सॉकर पाइप होता है, कुछ इस तरीके से हमें लगा लेना है। लगाने के बाद इसको हम आसानी से खोल लेते हैं। तो इसको हम खोल लेंगे, क्लच का बोल्ट खोल लेंगे। तो उसके बाद एक वार्सल निकलता है, तो उस वार्सल को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जब हम क्लच प्लेट को निकालेंगे तो उसमें भी क्लच हब में एक वार्सल होता है, तो उन दोनों को हम निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हम इसमें क्लच प्लेट डालेंगे। तो चलिए अभी इन वार्सल को निकालते हैं। निकालने के बाद इसमें क्लच प्लेट डालते हैं। तो गाइस, इसका जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद गाइस, इसका कंडीशन देख सकते हो, कंडीशन जो है बहुत ही बुरा कंडीशन है इसका। और बाइक में जब हम इंजन ऑयल निकाले तो इंजन ऑयल जो होता है वो एकदम ही काला हो चुका था। और काला हो जाने के कारण क्या होता है गाइस, अगर आप लोकल मोबिल डालते हैं तो जो मोबिल होता है वो काला हो गए, और उसके वजह से भी क्लच प्लेट जो होता है वो क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अभी इसका हम क्लच प्लेट निकालते हैं। निकालने के बाद नया क्लच प्लेट लाते हैं और नया क्लच प्लेट इसमें हम डालते हैं। तो गाइस, इसका जो हमें क्लच प्लेट लगाना है, पहले हम क्लच प्लेट लगाएंगे, उसके बाद जो प्रेशर प्लेट होता है प्रेशर प्लेट लगाएंगे, फिर इसमें क्लच प्लेट लगाएंगे, उसके बाद हम प्रेशर प्लेट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्लच प्लेट डालना होगा। इसमें टोटल 5 क्लच प्लेट होता है, और स्प्लेंडर सब जो होता है उसमें 4 क्लच प्लेट होता है। तो 5 प्लेट को हमें ऐसे लगाना होगा, पहले हम क्लच प्लेट डालेंगे उसके बाद हम प्रेशर प्लेट डालेंगे। तो सबको हम डालते हैं फटाफट। तो गाइस, यहाँ पे हमने क्लच प्लेट जो होता है वो क्लच प्लेट लगा दिया है। लगाने के बाद अब इसको हम क्लच प्लेट को फिट करते हैं। और गाइस, फिट करने के लिए सबसे पहले इसका जो अंदर में वार्सल होता है, क्लच हब में जो वार्सल होता है, हमें वार्सल लगाना होगा। लगाने के बाद जो क्लच होता है वो क्लच हम अच्छी तरीके से बैठा देंगे। इसमें बैठाने के बाद फिर जो क्लच के ऊपर जो बोल्ट लगेगा उसमें भी एक वार्सल होता है, तो पहले हम वार्सल लगाएंगे उसके बाद इसमें बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद इसको हम पूरा फुल टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद फिर बाइक को हम स्टार्ट। यहाँ पे जो क्लच प्लेट होता है वो क्लच प्लेट हमने डाल दिया है। डालने के बाद गाइस, जो बोल्ट होता है वो बोल्ट टाइट करने के बाद जो क्लच होता है वो क्लच एकदम फ्री होना चाहिए। जैसे अभी मैं अभी घुमा रहा हूँ तो ये फ्री है, तो फ्री रहना चाहिए। अगर फ्री नहीं रहेगा तो क्लच प्लेट जो होता है वो क्लच प्लेट ढंग से नहीं बैठा है, तो उसको हमें ढंग से बैठा देना। बैठाने के बाद अब इसमें क्लच का जो स्प्रिंग होता है, चारों स्प्रिंग लगाते हैं। लगाने के बाद ऊपर का इसको हम टाइट करेंगे। चलिए फटाफट इसको टाइट करते हैं। तो गाइस, इस बोल्ट को जो हमें टाइट करना है इसको हम बराबर बराबर टाइट करेंगे, यानी कि एक नीचे का टाइट करेंगे तो फिर एक ऊपर का टाइट करेंगे। अगर हम बराबर बराबर टाइट नहीं करते हैं तो क्या होगा, टाइट करते समय ये टूटने का ज़्यादा चांस होता है और ये टूट जाता है। तो इस बोल्ट को हम बराबर टाइट करेंगे, बराबर टाइट करेंगे तो क्या होगा कि जल्दी ये टूटेगा नहीं और ये लग भी जाएगा। Thank you.
गाइस यहाँ पे जो इसका बोल्ट होता है, बोल्ट हमने चारों बोल्ट लगा दिया है। लगाने के बाद जो इसका ऑयल पंप का गरारी होता है, वो ऑयल पंप का गरारी हम लगाते हैं। तो चलिए इसका ऑयल पंप का गरारी लगाएंगे अभी, और लगाने के बाद फिर इसका जो बैलेंसर होता है, वो बैलेंसर हम लगाएंगे। तो अभी इसका हम ऑयल पंप का गरारी लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो ऑयल पंप का गरारी होता है, वो ऑयल पंप का गरारी हमने लगा दिया है। लगाने के बाद जो क्लच का बैरिंग होता है, वो बैरिंग हम लगाएंगे अभी। तो वो बैरिंग लगा दिया है। लगाने के बाद जो इसका बैलेंसर होता है, वो हम बैलेंसर लगाएंगे। और गाइस बैलेंसर के अंदर भी एक वार्सल होता है, ये वार्सल देख सकते हो, वार्सल भी है। तो वार्सल को रहने देंगे, और वार्सल को अंदर रहेगा। उसके बाद हम इसका जो बोल्ट होता है, वो बोल्ट हम लगा देंगे। तो चलिए हम बोल्ट को लगाते हैं अभी। बोल्ट को लगाने के बाद इस बोल्ट को हमें फुल टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसका जो क्लच कवर होता है, वो क्लच कवर हम लगा देंगे। तो गाइस बैलेंसर को टाइट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से चार टांग का पुलर चाहिए। इस पुलर से टाइट हो जाता है, बहुत मस्त तरीके से टाइट होता है। तो इसको हम पूरा फुल टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो क्लच कवर होता है, वो क्लच कवर लगाएंगे। और क्लच कवर लगाने के बाद फिर बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट अभी टाइट करते हैं। तो गाइस फाइनली इसका जो क्लच प्लेट होता है, वो क्लच प्लेट हमने डाल दिया। डालने के बाद जो इंजन ऑयल होता है, वो इंजन ऑयल भी हमने डाल दिया है। और बाइक को हमने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी कर दिया था। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको इस बाइक का साउंड नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा बाइक माइक था, वो माइक हमारा ख़राब हो गया था। तो उस वजह से हमने इसमें इस वीडियो में ओवर वॉइसिंग किया है।